तो ये वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगर इसमें से देखोगे यहाँ पे कि कौन सा इसमें से क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आर वन एंड आर टू है प्लेस्ड इन सेम प्लेन विद देयर सेंटर कोइंसाइड, मतलब एक की रेडियस आर वन बहुत बड़ा है, आर टू बहुत छोटा है, तो यहाँ से अगर मतलब दो सर्कल है, एक सर्कल यहाँ से बहुत बड़ा है, ठीक है ना, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, और एक की रेडियस आर वन है, दूसरे की रेडियस यहाँ से आर टू है, ठीक है ना, और आर टू छोटू है, सॉरी यहाँ से आर टू जो है वो छोटू सर्कल है, तो आर टू यहाँ से छोटू है, तो यहाँ से एक छोटा सर्कल बना लेते हैं, देखना कि ये पॉइंट सर्कल है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, दिस इज़ द पॉइंट सर्कल इज कंपेयर टू आर वन, दिस इज आर वन एंड दिस इज द आर टू, दिस इज सेंटर ऑफ बोथ एंड हियर द कंडीशन इज गिवन आर वन इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर टू, ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पर जो है, इससे जो दूसरा वाला सर्कल है इससे जुड़ा रहे, ठीक है ना, इसलिए ऐसा कहा गया है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एम बिटवीन देम, मतलब इनके बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, एक दूसरे के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो निकालना है। देखो अगर अगर देखोगे यहाँ पे इस वाले में तुम करंट फ्लो कराओगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो दूसरा कॉयल है उससे जुड़ी रहेगी, ठीक है, अगर अंदर वाले में करंट फ्लो कराओगे तो इससे मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले से जुड़ी ही नहीं रहेगी और बहुत दूर होगा, बहुत दूर है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नेग्लिजिबल होगा, लेकिन अगर मैं इसमें करंट फ्लो कराता हूँ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये इफेक्ट होगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उससे इससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, अब उसी की हमें वैल्यू निकालनी है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू है डायरेक्ट आपको फार्मूला पता होगा कि कैसे निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, किसी भी कॉयल से एसोसिएटेड जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका डायरेक्ट फार्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का, फ्लक्स में उसमें फ्लो होने वाले करंट से डिवाइड कर दोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा, फ्लक्स किसका, जिससे एसोसिएटेड है चेंज हो रहा, तो फ्लक्स यहाँ दूसरे वाले कॉयल का है, करंट यहाँ पहले वाले कॉयल में, ठीक है ना, इसको मैं पहला कॉयल मानता हूँ, इसको मैं दूसरा कॉयल मानता हूँ, तो यहाँ जो दूसरे वाले से जो फ्लक्स है, फ्लक्स फाई टू जो है, फाई टू इज इक्वल टू बी ए कॉस कॉस जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाई फर्स्ट एरिया ऑफ द कॉयल टू, तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का कितना आएगा कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई वन आई और टू, यहाँ से टू आर वन, और यहाँ से जो एरिया है यहाँ से पाई आर टू का स्क्वायर, ठीक है ना, तो आई होप कि ये जो फ्लक्स फाई टू है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे निकाला है इस कॉयल से दूसरे वाले से फ्लक्स, ठीक है। चलो अब जो करंट है, अगर मुझे करंट से अगर मैं अब मैं इस फ्लक्स को इस वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रख दूंगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ से दिखेगा, तो म्यू नॉट आई यहाँ से म्यू नॉट आई टू आर वन, और यहाँ से एक करंट आई यहाँ से फ्लो हो रहा था, और यहाँ से पाई आर टू स्क्वायर, तो ये आई इस आई को कटेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो फाइनली बन बन जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट यहाँ से पाई आर टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टाइम्स आर वन, दिस इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस एसोसिएटेड। अब ये प्रोपोर्शनलिटी पूछा है तो म्यूचुअली प्रोपोर्शनल टू आर टू स्क्वायर अपन आर वन, तो आर टू स्क्वायर अपन आर वन दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन इसमें से मैच कर जाता है।